श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं बालकाण्डम् अष्टात्रिंशः सर्गः विश्वामित्रस्य रामं प्रत्युक्तिः पौर्वकायोध्यापति सगर सगरस्योपाख्यानं तां कथां कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षरां पुनरेवापरं वाक्यं काकुस्तमिदमब्रवीत् अयोध्यातिपतिवी अयोध्या पतिर राधिपह, सागरो नाम धर्मात्मा प्रजा काम सच्चा प्रज वैतर्भ वैतर्भदुता राम केशिनी नाम नाम कह ज्येष्टा सगर पत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी अरिष्ट ने दुहिता सुपर्ण भगि भगिनी तुसान द्वितीया सगर पत्नी सुम सुमति संयिता ताभ्या सह महाराज पत्नी तप्तवान्स्तपः हिमवन्तं समासाध्य भृगुप्रश्रवणे गिरौ अथ वर्षशते पूर्णे तपसाराधितो मुनिः सगराय वरम् प्राधु सत्यवताम्बरः अपत्य भविष्यति महां भविष्य तवा नघ कीर्ति प्रतिमा लोकेसे पुर पुत्रं वंशकरं तव षष्टि पुत्र सहस्राणी अपरा जनयिष्य भाषमा नर राजपुत्र्यौ प्रसाध्यम ऊचतु परम प्रीते कृतांजलि पुटे तदा एक सुतो ब्रह्मन का जनयिष्यति श्रोतु मिच्छा वहे ब्रह्मन सत्यमस्तु वचस्तव तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगु परम धार्मिकः उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दोत्र विधीयताम् एको वंश वास्तु बहवो वा महाबला कीर्तिमंतो महोत्साह का वरमिच्छति मने मुनेस्तु स्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी रघुनन्दन पुत्रं वंशकरं राम जग्राहनृपसन्निधौ षष्टिं पुत्र सहस्राणि सुपर्णभगिनी तदा महोत्साहान् कीर्तिमतो जग्राह सुमतिः सुतान् प्रदक्षिणमृषिं कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य जगाम स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनंदन अथ काले ग्येषापुत्र असमंज केशिनी सगरात्मज सुमतिस्तु नरव्याग्र गर्भ तुम व्यजात ष्टिपुत्र सहसराबेद विनसृता घृतपूर्ण कुंभ धात्र्यस्तांसम वर्धयन् कालेन महता सर्वे यौवनं प्रतिपेदिरेतत दीर्घेण कालेन रूपयौवनशालिनः षष्ठी पुत्र सहस्रानी सगरस्या भवन्स्तदा सच ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्यात्मसंभवः बालान् गृहीत्वा तु जले सरय्वा रघुनन्दन प्रक्षिप्य प्राहसन् मञ्जतस्तान् निरीक्ष्य त्वयि एवं पापसमाचारः सञ्जन् सञ्जनप्रतिपादकः पौराणामहिते युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरान् तस्य शुभान् शुमान् नाम अंशुमान् नाम असमञ्जस्य वीर्यवान् सम्मतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियं वदः ततः कालेन महता मति सगरस्य नरश्रेष्ठ यजे यजेयमिति निश्चिता सकृत्वा निश्चयं राजा सोपाध्याय गनस्तदा यज्ञकर्मनिवेदज्ञो यष्टुं समुपचक्रमे इत्याशे श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बाल वाल्मीकि ये इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि ये आदि काव्ये बालकांडे अष्टात्रिंशः सर्गः